हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, जिसको राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, एक ऐसा पेनी स्टॉक जो अगर चला तो काफी पैसे बना देगा आपके। अगर इसमें 1,000 रुपये भी लगा के छोड़ दिए और ये चला तो फिर आपके पैसे लाख रुपए तक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा उस कंपनी पे। देखिए, बिल केयर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, 53.05 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, राइट। अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। अब है तो पेनी स्टॉक, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल तो सबके होते हैं। देखिए, टू रेवेन्यू जो है 2017 में 2,741 करोड़ था, 18 में 3,076 करोड़, 19 में 3,057, और मार्च में जो है ये 2020 में 2,082 करोड़। इसमें थोड़ा कोविड का चक्कर था, इस वजह से इसमें ज्यादा सा पैसा नहीं बना पाया। बट ये जो है पेनी, अगर चला फिर 2021 में इसका अगर रेवेन्यू में थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि देखिए झुनझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ सोच के ही किया होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया है तो हम जाके दौड़ के पूरा का पूरा लाख रुपए लगा दें। बट इस तरह के पेनी स्टॉक जो होते हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी पैसा लगाएं अपने पोर्टफोलियो का, 1% से भी कम, समझ रहे हैं, अगर हमारा 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1,000 रुपए। तुम 1,000 से भी कम जो है 70-80 रुपए तक तो लगा ही सकते हैं, राइट। तो इस तरह के पेनी में जो है अपने पोर्टफोलियो का लेस देन 1% लगाना चाहिए, 1% से कम ही लगाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के पेनी को। देखिए, क्योंकि पेनी स्टॉक दोस्तों क्या होता है कि पेनी स्टॉक अगर कभी चला तो चला, अगर डूब भी गया तो ठीक है, अपना जो है 70 रुपए हमने लगाया है, हमारा पैसा जीरो हो गया। लेकिन अगर चल गया तो ठीक है, 70 का हमको 1,000 रुपए दे देगा, हमको 1 लाख रुपए दे देगा। क्योंकि देखिए, पेनी जब चलते हैं तो कहाँ जाएंगे किसी को कुछ मालूम नहीं है, वो किधर जाके रुकेंगे कुछ मालूम नहीं है। तो पेनी शेयर को बाई जरूर करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मैं जो हमेशा कहता हूँ कि पेनी शेयर को जरूर बाई करना चाहिए। मेरे भी पोर्टफोलियो में पेनी है, बट मेरे पोर्टफोलियो का अगर सभी पेनी को मिला भी दिया जाए तो 2%, 2% से भी कम है, शायद 2% या इससे कम ही होंगे जितने पेनी को अगर मिला के दिया जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये पेनी चला तो ठीक है, हमको पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा, नहीं चला तो ठीक है, जीरो, ऑलरेडी जीरो है, पेनी है, मान के चल रहे हैं जीरो है तो जीरो है। तो दोस्तों, ये रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में थोड़ा सा यहाँ पे FY20 में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन FY20 में देखने वन में क्वार्टर चल में देखते हैं इसका क्या होने वाला है। अब देखिए इसका ईपीएस, ईपीएस दोस्तों देखिए निगेटिव था 17 में, 18 में और निगेटिव हुआ, 19 में जो है और निगेटिव हुआ, 20 में जो है निगेटिव, लेकिन निगेटिव इसमें ये ज्यादा था, इससे थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है। ईपीएस ज्यादातर जो है पेनी स्टॉक होते हैं उनका ईपीएस जो है निगेटिव ही होता है, चाहे कोई भी देख लो, चाहे यस बैंक देख लो, चाहे कोई भी बैंक देख लो, कोई भी बैंक मीन्स कोई भी पेनी स्टॉक देख लो, वो पेनी ही इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनका ईपीएस निगेटिव होता है। वो जहां भी होते हैं वहां से जो है नीचे आते हैं, तब वो पेनी बन जाते हैं। यहाँ पे शेयर रहते हैं, यहाँ पे नहीं बन जाते हैं। पेनी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका ईपीएस भी एकदम निगेटिव रहता है, प्रॉफिट वगैरह कुछ रहता ही नहीं है, रेवेन्यू कुछ रहता नहीं है। लेकिन इस तरह के पेनी में एक चीज याद रखिएगा, एक तरह की क्लिक रहती है। इस तरह के पेनी जो भी स्टॉक होते हैं, अगर कोई भी क्वार्टर चल गया, मान लो कि पेनी दो तीन रीजन से पेनी स्टॉक जो है पेनी बनते हैं। नंबर एक, मैनेजमेंट से, अगर मैनेजमेंट खराब है, राइट, तो कोई भी अच्छा खासा स्टॉक भी पेनी बन जाएगा एक न एक दिन। नंबर दो, मैनेजमेंट ठीक ठाक है, ठीक है, कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत है कंपनी में, मेनली बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर कुछ डेप्ट वगैरह ज्यादा है, तो उसके चक्कर में क्या है कि उनका प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा, तो ईपीएस जो है निगेटिव है। तो दोस्तों, कोई भी अगर आप पेनी उठा के देखेंगे तो या तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, या तो जो है उसमें प्रॉफिट की प्रॉब्लम होगी, ईपीएस नेगेटिव होगा, इन दोनों में भी ये चांसेस होते हैं। अगर मैनेजमेंट इसका चल गया, राइट, मैनेजमेंट चल गया, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो वही पेनी जो है आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कहाँ से कहाँ जो है चला गया। तो सेम चीज है दोस्तों, बिल केयर लिमिटेड 53 रुपए का शेयर है, अगर चला तो 1,012 रुपए से जाएगा, कुछ मालूम नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी ने इसको इन्वेस्ट किया है तो कम से कम एक क्लिक तो यहां से मिल गई जी, ठीक है, कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे।
अब आके देखते हैं होल्डिंग। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखिए, पिछले 6 महीने में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग बराबर है, कोई जो है ना तो डिक्रीमेंट है ना तो इंक्रीमेंट है, लगभग कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ नेगेटिव वाली बात नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यस बैंक में राणा कपूर के टाइम में अक्टूबर 2019 में है, मैं आपको बता रहा हूँ, यस बैंक में 2019 में रिटेलर्स बाई कर रहे थे लेकिन प्रमोटर सेल कर रहे थे। राणा कपूर जी 50 रुपए के आसपास पे 58-59 रुपए पे पूरा सेल कर दिए, वो प्रमोटर थे, लगभग 10% कंपनी का शेयर था। उन्होंने ऑलरेडी एक ट्वीट भी किया था कि लाइक जो उस तरह के सोने होते हैं, लाइक हीरे, हीरे हमेशा हीरे होते हैं, वो ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती है कि मतलब उनको सेल किया जा सके। लेकिन बाद में वही जो है राणा कपूर जी अपना पूरा शेयर सेल करके भाग गए और जो है रिटेलर फंस चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने पूरा कांस्टेंट, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रमोटर भाग रहे होते तो चलो एक चिंता की बात होती, प्रमोटर कांस्टेंट है, लो प्लेजिंग है, कोई प्लेजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा प्रमोटर ने जो है बहुत ज्यादा जो है अपना शेयर गिरवी रख के माल उठाया हुआ है तो कल की डेट में माल ना चुका पाए तो उनको बेचना पड़ जाएगा। तो ये जो है रिस्क बना रहता है दोस्तों कि इस तरह का अगर प्लेजिंग ज्यादा है तो प्रमोटर में, तो एक रिस्क रहता है कि कल की डेट में वो अपना माल बेच सकते हैं, क्योंकि मेन भी जिसलिए वो पैसा लिया है उन्होंने ना चुका पाया तो उनको जो है प्लेजिंग जो है रिवोक कर देगा जो उनका लेंडर है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में। थ्री मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनी ऑलमोस्ट इसके कांस्टेंट, म्यूचुअल फंड भी ना बेच नहीं रहे हैं, ये FII भी बेच नहीं रहे हैं, प्रमोटर भी बेच नहीं रहे हैं, कोई प्लेजिंग नहीं है, राइट। केवल इसमें दिक्कत क्या है कि कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, इस वजह से EPS नेगेटिव है, राइट, इस वजह से शेयर जो है नेगेटिव आ गया है। तो केवल इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, EPS की प्रॉब्लम है, राइट, EPS नेगेटिव है। कंपनी जब कैसी जनरेट नहीं कर रही तो शेयर कहाँ से जाएगा, नेगेटिव EPS है तो जो है शेयर जो है पेनी बना हुआ है, 53 रुपीज के आसपास। दोस्तों जैसे ही ये कैश जनरेट करना शुरू कर देगा, राइट, तो यही 53 रुपीज आपको 1000, 1200, 1500 कहां तक जाएगा, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि ये चला जाएगा या जाएगा ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पेनी स्टॉक का नेचर कितना कैसा होता है कि वो जो है वहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं। 52 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 रुपए का शेयर है मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 रुपए का शेयर है मल्टीप्लाइड बाई 15, इस तरह का मल्टीफोल्ड रिटर्न वहां से देंगे। तो पेनी स्टॉक का एक ये नेचर होता है कि वो वहां से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। बस पेनी को इतना पकड़ो कि उसमें दिक्कत क्या है, क्या प्रमोटर की दिक्कत है या फिर प्रमोटर बेच के भाग रहे हैं, मैनेजमेंट की दिक्कत है, या फिर ठीक है सब कुछ सही है लेकिन कंपनी कैश नहीं जनरेट कर रही, मे बी सम रीजन की वजह से, कुछ और कोर्ट केस चल रहा होगा, बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनी कैश जनरेट नहीं करे, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आज नहीं तो कल जो है कैश जनरेट कर ही देगी। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखिएगा, बिल केयर लिमिटेड कोई दिक्कत नहीं है, केवल EPS की दिक्कत है, EPS निगेटिव है, इस वजह से ये शेयर जो है पेनी बना हुआ है। अब इसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो राकेश झुनझुनवाला जी अगर आपको मालूम होगा बिग बुल है, वो किसी भी शेयर में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब कुछ ना कुछ उनको क्लिक मिल जाता है। आपको मालूम होगा कि टाटा मोटर में वो 85 रुपीज के आसपास जो है यस इसके आसपास जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया था। आज की डेट में टाटा मोटर 302 रुपए में चल रहा है, इवन ये शेयर 364 रुपए तक गया था। तो उसी के आसपास जो है अगर जिनने इन्वेस्ट किया है बिग बुल के आसपास जो है वो भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो ये बिल केयर लिमिटेड आप याद रखिएगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन लेस देन 1% मेरी तरफ से, क्योंकि अगर आप डूब भी जाए तो पैसा कोई गम नहीं, और मिले तो ठीक है, आगे हम 10 गुना मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा तो हम 10 पेनी अलग से खरीद लेंगे, उसमें से कोई दो तीन भी चल गया तो आगे जो है हमको 10-100 खरीदने की हिम्मत दे देगा, राइट। तो ये पेनी का कल्चर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर